हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे बेहतरीन और बड़े शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और इस शहर में कंटिन्यूस गिरावट भी देखने को मिल रही। उसके रीजंस भी है और उसके रीज़न है उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको लेकर। तो इस वीडियो में हम उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी बात करेंगे और बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, कम से कम 7 या 8 ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने इसके आने वाले 1 साल के प्राइस टारगेट को लेकर भी कहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम यहाँ मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी देखिए, यह शेयर 6,840 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितना टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 1 साल में आप कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर पिछले 1 हफ्ते का मैं डेटा निकालूं तो पिछले 1 हफ्ते से इसके शेयर में 8% से भी ज्यादा की गिरावट, ये कंटिन्यूस गिरावट आ रही है जब से न्यूज बाहर आई थी। 6,832 रुपए तक का लो ये शेयर बना चुका है और 7,440 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया था। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में इसके शेयर्स में 3.85% का ग्रोथ है। 6,522 रुपए तक का लो ये शेयर बना चुका था, 7,464 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया। चार्ट अब देखिए, यहां से जबरदस्त तेजी आई थी और ऐसा लगा था कि ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन 7,464 रुपए के ऊपर तक पहुंचने के बाद इसमें कंटिन्यूस गिरावट चल रही है। और अगर पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में हालांकि 23% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, 1 साल में यह शेयर 6,500 रुपए से नीचे नहीं गया है। देखिए, 1 साल में यह शेयर 6,500 रुपए से नीचे नहीं गया है और 9,820 रुपए तक का हाई बनाया है इसने। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 76% का ग्रोथ देखने को मिला है। 3,750 रुपए तक का लो बना है पिछले 3 साल में और 9,820 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में इसके शेयर्स में 750% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, 800 रुपए के ऊपर यह शेयर ट्रेड करता था, आज से 10 साल पहले 800 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड करता, लेकिन उसके बाद शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 9,820 रुपए तक भी पहुंच गया था ये शेयर। और बात करेंगे मार्केट कैप, देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 2,06,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में हम बात करेंगे तो 20 लाख शेयर्स का ऑलमोस्ट वॉल्यूम ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और वो अच्छे नतीजे हैं, बढ़िया नतीजे हैं, फिर भी गिरावट है, रीजन भी है उनके। नेट सेल्स की बात करेंगे तो जो नेट सेल्स मार्च 2018 में 20,600 करोड़ के आसपास का था, दिसंबर 2018 में उसमें गिरावट आई थी, 18,900 करोड़ में वो सिमट के रह गया था, लेकिन मार्च के जो नतीजा है वो बेहतर है, वो 20,750 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स इसका देखने को मिल रहा है, मतलब 9.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी 20% से ज्यादा का ग्रोथ है, 20% से ज्यादा का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। अगर बात करेंगे मार्च 2018 की तो 1,880 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2018 आते आते गिरावट आ गई, 1,490 करोड़ तक सिमट के रह गया, लेकिन मार्च 2019 के जो नतीजे आए हैं उसके अकॉर्डिंग 1,795 मतलब 1,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, 20% का ग्रोथ यहां पर है इसमें। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में के कंपेयर में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो कम है। जैसे कि पिछले क्वार्टर में 14.24 का था, जबकि पिछले साल मार्च 2018 में 14.24 का था, दिसंबर 2018 में 9.82 का था, जबकि मार्च 2019 में 10.55 मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 0.73% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआईएस के पास 22.30% की होल्डिंग है, देखिए एफआईएस ने होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड के पास 5.77% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग में कट डाउन किया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है, 8.09% की होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। अदर डीआईएस के पास 63.84% की होल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि 39 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है,
1027 FIIs इसमें इन्वेस्टेड है, और इंडिविजुअल होल्डिंग 4.39% की इंडिविजुअल होल्डिंग है यहाँ पर, और डिविडेंड 80 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। देखिए 1600% का डिविडेंड ये शेयर पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपए आपको मिल रहे हैं पर शेयर, बहुत ही बढ़िया। अगर हम मनी कंट्रोल में अगर मैं जाऊं तो हाल फिलहाल में 64% बाइंग रिकमेंडेड है और 33% सेलिंग है और 3% होल्ड करने के लिए लोग इसमें कह रहे हैं। और अगर मैं इनके फाइनेंशियल की बात करूं तो कर्जा इनके ऊपर ना के बराबर है, सिर्फ 110 करोड़ का कर्जा है, जो कोई कर्जा नहीं होता इनके नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट के आगे। और टोटल असेट्स की बात करेंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ से के टोटल असेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है, SBI, एक्सिस, SBI, ICICI, लाखों में होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की, तो काफी बढ़िया है यहाँ पर। तो जो न्यूज आ रही है वो ये है कि मारुति सुजुकी जो अपना डीजल कार प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करेगी, और वो कब तक, अप्रैल 2020, तो 2020 तक, 2020 के बाद से ये लोग अपना जो मास प्रोडक्शन है डीजल कार का, उसके बाद ये सिर्फ पेट्रोल कार ही बनाएंगे, डीजल कार का प्रोडक्शन ये लोग स्टॉप करने वाले हैं। द शॉपर हैव लेस देन अ ईयर चूज टू डीजल, तो 1 साल से भी कम का वक्त आपके पास है अगर आपको मारुति सुजुकी के डीजल कार लेनी है तो। द कार लेंडर विल फेज आउट ऑफ द मॉडल विल डीजल इंजन लेस देन 1.5 लीटर इन अ व्यू ऑफ 12 सर वी5 इमिशन नॉर्म्स, तो 1 अप्रैल से ही ये स्टार्ट हो जाएगा इनका। मारुति इज द फर्स्ट कंपनी इंडिया इंडिया टू डिक्लेयर नो डीजल प्लान इन द कॉम्पैक्ट सेगमेंट विच मेड नियरली हाफ ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेल लास्ट ईयर, तो पिछले साल की कंपेरिजन में जितना भी सेल हुआ था वो मोस्टली कॉम्पैक्ट डीजल सेगमेंट में ही हुआ था, लेकिन डीजल कार कमेंट लेस देन 25% ऑफ द मारुति टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स एंड करंटली एज अ पर एग्जीक्यूटिव द कंपनी सेड द प्रोड्यूस डीजल कार प्योरली बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड, और कंज्यूमर की डिमांड पर ही वो इसको बनाएंगे, जो मतलब मास प्रोडक्शन है, मतलब ये नहीं कि बंद ही हो जाएगा, मास प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड पर होगा, अगर उनकी डिमांड है तो उसके आधार पर ही वो इसको बनाएंगे। और देखा जाए दिस शेयर इज एक्सपेक्ट स्लाइड फर्दर बीएस कम्स एक्सपेंड द प्राइस बिटवीन पेट्रोल डीजल मोडल, डीजल इज एक्सपेक्ट टू कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख मोर देन द पेट्रोल वर्जन अप फ्रॉम द अराउंड 1 लाख करंटली, तो वैसे भी डीजल की जो गाड़ियां है उसके कॉस्ट तो हमेशा ज्यादा ही रहती है कंपेयर टू पेट्रोल। अब आप देखेंगे कि मारुति सुजुकी द कॉस्ट ऑफ अपग्रेड स्मॉल डीजल, तो यही सब इसमें है कि डीजल कार स्टॉप्स ये लोग करने वाले हैं। और दूसरी जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि जो डीलर्स हैं वो इसमें चिंता में है कि आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि देखो डीलर्स को भी फियर है कि जो राइवल ब्रांड्स हैं कस्टमर उस तरफ शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो अगर मारुति सुजुकी डीजल कार बनाना बंद कर देगी तो जो उनकी जो राइवल गैंग है, मतलब जो राइवल ब्रांड्स है अलग अलग, वो उसकी तरफ ये लोग स्विच हो जाएंगे, तो उनके जो रॉयल कस्टमर्स हैं शायद वो स्विच हो सकते हैं, तो इस बात का डर उनको सता रहा है। तो 2020 से जब ये बंद हो जाएगा तो जो भी डीलर्स हैं उनको उनके ऊपर भी इफेक्ट ये जरूर पड़ेगा। अब बात करते हैं शेयर्स की, तो देखिए शेयर्स काफी नीचे गिर रहा है और इस न्यूज से और भी ज्यादा इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज फर्म्स ने इसको टारगेट भी दिया, वो उनका कहना है कि 8,000 ये शेयर टच करेगा, अभी ये शेयर 6,800 पर ट्रेड कर रहा है। CLSA ने इनका टारगेट दिया है 8,000 रुपये। जेफरीज हैं जो भी बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने टारगेट को रेज किया है, पहले उन्होंने टारगेट दिया था 7,600 रुपये, अब टारगेट रेज करके उन्होंने 8,000 का टारगेट कर लिया है। मैक्वायरी वो भी काफी बड़ी है, उन्होंने आउट परफॉर्म का इसको रेटिंग दिया है, और जो पहले टारगेट उनका 7,400 था उसको अब बढ़ाकर 7,600 कर दिया गया है। सेम चीज अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली का पहला टारगेट उन्होंने कट डाउन किया है, ओवरवेट परफॉर्म उन्होंने बताया है, जो 8,188 था वो अब 8,150 रुपए के आसपास का टारगेट इन्होंने दिया है। दूसरी बात करें शेर खान की बात करें तो उन्होंने इसमें होल्ड रेटिंग दी है, बोला कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, अगर खरीदा है तो होल्ड करो, 7,150 रुपए का टारगेट शेर खान की तरफ से दिया गया है। दूसरी बात करें अगर हम, तो अरिहंत कैपिटल ने भी होल्ड
होल्ड रेटिंग दी है, इसमें बाइंग रेटिंग नहीं दी है, होल्ड रेटिंग दी है। बोला है कि 7,350 रुपये के आसपास ये शेयर होगा। और तो और LKP रिसर्च ने इसमें बाई रेटिंग दिया है और टारगेट इन्होंने रखा है 7,800 रुपये के आसपास का टारगेट रखा है। और तो और नालंदा सिक्योरिटीज है, उन्होंने भी बाइंग रेटिंग दी है और 7,217 रुपये का टारगेट दिया। तो ये कुल 8 ब्रोकरेज फर्म्स है जिन्होंने इसको टारगेट दिया हुआ है। तो हाल फिलहाल आखिर आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपने खरीदा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इसको कम से कम 1 साल तक होल्ड करके रखोगे, तो आपको पैनिक में आकर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। और जो नए बायर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि देखो, शेयर्स में गिरावट और ज्यादा फर्दर गिरावट की पॉसिबिलिटीज आगे भी की जा रही है। हो सकता है कि शायद ये शेयर 6,500 रुपये तक चला जाए। तो हाल फिलहाल जो नए बायर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर ले। शेयर्स बहुत ही बढ़िया है, जरूर इसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए यहां पर अगर मैं आपको इसके बाद दिखाऊं तो 1 साल में यह शेयर 6,500 रुपये तक गया हुआ है, 6,508 रुपये तक गया है। और वो एक बार नहीं, 3 बार गया है। जैसे यहां पर अगर मैं इनको दिखाऊं तो 6,600 रुपये तक ये शेयर गया था, 6,600 रुपये तक ये शेयर गया था। और ये डेट है था पिछले साल की 10वें महीने की 31 तारीख को ये शेयर गया था 6,600 में। उसके बाद इसने बढ़िया बाउंस बैक किया और 6,600 से 6,700 तक पहुंच गया। उसके बाद फिर से गिरावट आई, 6,516 रुपये तक गया। देखो जनवरी, 25 जनवरी को ये शेयर गया था 6,500 रुपये पर, लेकिन उसके बाद फिर से उसने बाउंस बैक किया और 7,300 तक चला गया। उसके बाद अगेन ये शेयर 6,500 तक गया था पिछले महीने की 22 तारीख को ही, 6,500 रुपये तक गया था, लेकिन अगेन उसने बाउंस बैक किया, 7,400 तक गया। तो मेरे हिसाब से अगर ये शेयर 6,600 रुपये तक भी टच करता है तो शायद आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मेरे हिसाब से कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि मेरे कम से कम 1 साल का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो ये शेयर 7,600 रुपये के आसपास या उससे ऊपर भी ट्रेड करता हुआ आपको दिख सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।